नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है और मध्य प्रदेश जो है मंत्रिमंडल लगभग तय हो चुका है। इस मंत्रिमंडल की खास बात यह है कि इस मंत्रिमंडल में कांग्रेस के 22 विधायकों में से 10 मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े यहां पर विधायकों के नाम इस लिस्ट से गायब नजर आ रहे हैं। लगभग 25-26 यहां पर मंत्रियों की लिस्ट सामने आ रही है। तो क्या बीजेपी विधायक नाराज हैं? इसका खामियाजना जो है बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले समय में 24 सीटों पर उपचुनाव भी होंगे जो सीटें तय कर देंगी कि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार बरकरार रहेगी या फिर कमलनाथ का दावा कि वो जल्द यहां पर वापसी करेंगे। बता दें बीजेपी विधायक हरि सिंह सप्रे जो कि मंत्रिमंडल की मांग कर रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल की मांग यहां पर जायज भी मानी जा रही है, क्योंकि अगर बात करें तो 1977 से 2018 तक अब तक बीजेपी यहां से 10 बार यहां पर विधायक बन चुके हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से अब तक यहां से कभी भी जो है बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया है। तो ये बड़ी मांग है। इसके अलावा कांग्रेस ने यहां पर 2 बार जीत दर्ज की, 1 बार उन्हें यहां से मंत्री बनाया गया है। तो अब बीजेपी के कई ऐसे विधायक हैं जो कि मंत्री की मांग कर रहे हैं। अगर बात करें तो बड़ा नाम गोपाल भार्गव है जो कि लगभग मंत्रिमंडल में नाम उनका तय है। इसके बाद भूपेंद्र सिंह जो कि पूर्व गृह मंत्री हैं उनका भी नाम मंत्रिमंडल में तय माना जा रहा है। इसके अलावा कई और यहां पर जो संभावित मंत्रियों के नाम जो सामने आ रहे हैं, जिनमें सीता सरन जो है शर्मा वो भी यहां पर बीजेपी में कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। तो कई ऐसे विधायक हैं जो कि 3 या 4 बार जीतकर आए हैं, लेकिन उनके नाम फिलहाल मंत्रिमंडल लिस्ट से गायब नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर अगर ऐसा होता है तो फिर बीजेपी सरकार पर भी गिरने का संकट आ सकता है, ऐसे सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। गौरीशंकर विसेन बीजेपी विधायक जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा जगदीश देवड़ा बीजेपी विधायक जो कि यहां पर कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं, उनका नाम लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा राजन शुक्ला का भी नाम यहां पर कैबिनेट मंत्री बनने में यहां पर शामिल किया गया है। इसके अलावा रामपाल सिंह बीजेपी विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विजय शाह बीजेपी विधायक कैबिनेट में शामिल हो सकती है, बड़े नाम यहां पर निकल कर आ रहे हैं। विश्वास सारंग बीजेपी जो कि कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। जुगल किशोर बागड़ी जो बीजेपी विधायक कैबिनेट के संभावित मंत्री में यहां पर शामिल हो सकते हैं। केदार शुक्ला जो कि कैबिनेट मंत्री यहां पर बन सकते हैं, नाम सामने निकल कर आ रहा है। इसके अलावा यहां पर उषा ठाकुर को भी यहां पर कैबिनेट में जगह मिल सकती है। रमेश मेंदोला का भी नाम यहां पर कैबिनेट मंत्री में शामिल हो सकता है। तो ये कुछ बड़े नाम जो है बीजेपी के नाम निकल कर आ रहे हैं। इसमें अगर बात करें तो बीजेपी ने 3 यहां पर मंत्री पहले ही बना दिए हैं। वहीं अगर बात करें तो सिंधिया समर्थक 2 मंत्री ने शपथ ली है, जिनमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से यहां पर 3 बड़े यहां पर मंत्री बना दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि आखिर अगर बीजेपी इन 10 जो है सिंधिया समर्थकों को यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल करती है तो कई बीजेपी विधायक नाराज यहां पर दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करें तो सिंधिया समर्थक खुश हैं, क्योंकि उनके नाम यहां पर मंत्रिमंडल में शामिल लगभग माने जा रहे हैं, जिनमें अगर बात करें तो प्रभुराम चौधरी सिंधिया समर्थक हैं, हरदीप सिंह डंक सिंधिया समर्थक हैं, ऐदल सिंह कसाना जो कि यहां पर कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, बिसासुलाल सिंह वो भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, इमरती देवी जो कि पहले भी यहाँ पर मंत्री थी और बीजेपी में शामिल होती उन्हें मंत्री बनाना लगभग माना जा रहा है। इसके अलावा प्रद्युम्न सिंह तोमर को भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है। इसके अलावा महेंद्र सिंह सिसोदिया को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। राजवर्धन सिंह का भी नाम यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है, क्योंकि कमलनाथ सरकार में काफी समय उन्होंने कमलनाथ सरकार का सड़कों पर उतर कर विरोध किया और अंजाम आखिर में सरकार गिर गई। तो कहीं ना कहीं ये बड़े नाम यहाँ पर कह सकते हैं सिंधिया समर्थक 2 पहले मंत्री बन चुके हैं और 8 मंत्रिमंडल के नाम सामने निकल कर आ रहा है। कुल मिलाकर सिंधिया ने पहले भी यहाँ पर माना था कि 10 मंत्री कम से कम उन्हें इस मंत्रिमंडल में मिलने चाहिए। वहीं बात करें तो यहाँ पर लगभग कह सकते हैं इस मंत्रिमंडल में 24 से 30 मंत्री शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कम से कम 15 से 20 मंत्री यहाँ पर बीजेपी के भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन कई ऐसे विधायक हैं जो कि मंत्रिमंडल में शामिल ना होने पर बगावत सुर पर उतर सकते हैं। तो क्या बीजेपी सरकार मंत्रिमंडल को लेकर अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर आने वाले समय में उपचुनाव में बीजेपी सरकार गिर जाएगी? आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से आपके विधानसभा क्षेत्र का
क्या है गणित, आप बताइए कि कितने बार से वो वहां के विधायक रहे हैं और अब तक बीजेपी ने क्या वहां से मंत्री बनाया नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।